हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। टीवीएस की 4 मिलियन सेल पे सेलिब्रेशन मनाते हुए टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V को लॉन्च किया गया है। एक तरीके से ये फेस्टिवल सीजन को देखते हुए लॉन्च किया गया है। इस बाइक में क्या कुछ न्यू चेंज किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ न्यू बाइक लॉन्च हो सकता है, जैसे एकुला 310। मैंने खुद पहले सोचा था कि आरआर 310 का स्पेशल कलर लॉन्च होगा और ग्राफिक्स लॉन्च होगा, बट टीवीएस ने अपनी पुरानी मॉडल बाइक टीवीएस अपाची आरटीआर 204V में ही कुछ न्यू फीचर अपग्रेड कर दिया है। 3 नवंबर को टीवीएस ने थंबनेल लॉन्च किया था, तो उस टाइम ही मुझे आइडिया हो गया था कि आरटीआर सीरीज में ही कुछ होने वाला है। तो चलिए अब इसके न्यू फीचर्स को जान लेते हैं। टीवीएस अपाची आरटीआर 204V में 3 राइडिंग मोड को ऐड किया गया है, स्पोर्ट, अर्बन एंड रेंट। ये अपने सेगमेंट में पहली बाइक है जिसमें ये सारे फीचर मिलता है। आप चाहे यामा, बजाज या होंडा ले लो, बट किसी भी 200cc की सेगमेंट में किसी भी बाइक में ये वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। ये फीचर पहले टीवीएस की आरआर 310 में मिलता था, बट अब 204V में भी देखने को मिल जाता है। अब ये तीनों मोड को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट, स्पोर्ट मोड। इसमें आपको पहले 204V से थोड़ा ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा। पहले 20.5 PS का पावर मिलता था, बट अब न्यू वाले में 20.82 PS का पावर मिल जाता है। और पहले वाले 204V में 16.8 Nm का टॉर्क मिलता था, बट अब न्यू वाले में 17.25 Nm का टॉर्क मिलेगा। एक्चुअल पावर डिफरेंट की बात करें तो 0.32 PS एंड 0.45 Nm ज़्यादा मिलेगा करंट की टीवीएस अपाची आरटीआर 204V BS6 से। स्पोर्ट मोड में थ्रोटल रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है। इसको ट्रैक पे रेस के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें आपको बाइक का फुल पावर मिलेगा, जिसमें ABS भी उसी हिसाब से वर्क करेगा। हाई स्पीड पे भी इसका ABS सेफ्टी के साथ वर्क करता है। इसका टॉप स्पीड 127 km/h कंपनी क्लेम करती है, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि RTR 160 इससे ज़्यादा स्पीड जाती है, मतलब आपको 204V में 140 प्लस तक का टॉप स्पीड मिल जाएगा। सेकेंड मोड अर्बन है। इसमें आपको स्पोर्ट मोड से थोड़ा कम पावर मिलेगा। अर्बन मोड मतलब जब आप सिटी में राइड करेंगे तो आपको 17.32 PS का पावर और 16.51 Nm का टॉर्क मिलेगा। अर्बन मोड में आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा, मतलब आपको अर्बन मोड में माइलेज अच्छा मिलने वाला है। तीनों मोड में ABS अलग अलग तरीके से प्रॉपर वर्क करती है, जिससे आपको ज़्यादा सेफ्टी मिल पाए। थर्ड मोड है रेन मोड। इसमें आपको सेम पावर मिलेगा जो आपको अर्बन मोड में मिलता था, बट रेन मोड में आपका ABS सबसे बेस्ट तरीके से वर्क करेगा। तो ये थे 3 राइडिंग मोड। इसके लिए आपको राइट हैंड साइड में स्विच दिया गया है, जहां से आप इसको इजीली अपने राइडिंग मोड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड न्यू फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसको आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सोवा के सस्पेंशन मिल जाता है, जो रेस ट्रैक पे यूज होता है। आप लोग देखते होंगे जो ट्रैक पे रेस करते हैं वो अपनी बाइक कितने मस्त तरीके से रोकते हैं, और बाइक का पूरा वेट फ्रंट सस्पेंशन पे होता है, तो सोवा का सस्पेंशन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का होता है। थर्ड न्यू फीचर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। किसी को हार्ड लीवर चाहिए होता है, तो किसी को लूज, किसी को मीडियम, मतलब आपको जिस तरीके से रखना है आप रख सकते हैं। टीवीएस अपाची आरटीआर 204V में ये सारे फीचर अपने सेगमेंट में फर्स्ट है। अभी तक 200cc की बाइक में ये सारे फीचर किसी और बाइक में नहीं देखा होगा। फोर्थ फीचर की बात करें तो इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको पिछले राइड का रिकॉर्ड भी सेव होता है। फिफ्थ चेंज की बात करें तो टीवीएस अपाची आरटीआर 204V में न्यू कलर को ऐड किया गया है। अब आपको मेट ब्लू कलर का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको कंट्रास्ट ज़्यादा मिलेगा, मतलब थोड़ा डीप ब्लू देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप जो टीवीएस अपाची आरटीआर 204V को देख रहे हैं वो अब रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू वाले 204V से, क्योंकि पुराने वाले 204V में ना तो राइडिंग मोड से, ना ही एडजस्टेबल सस्पेंशन है, और ना ही एडजस्टेबल लीवर है। और न्यू वाले 204V का एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली का 1,31,000 है, जो कि सिर्फ 1,000 ज़्यादा है पुराने वाले 204V से। तो अगर आपके सामने सेम दोनों बाइक रख दिया जाए तो आप कौन सा चूज करेंगे? डेफिनेटली न्यू वाला, क्योंकि सिर्फ 1,000 ज़्यादा देकर आप काफ़ी फीचरिस्टिक बाइक ले सकते हैं। कंपनी ने यही सोचकर पुराने वाले 204V को रिप्लेस करने वाली है, और न्यू वाले 204V आपको कुछ ही दिनों में शोरूम में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे ऑल न्यू टीवीएस अपाची आरटीआर 204V के ऑल डिटेल्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।